मैं अशोक कुमार गुप्ता, प्रवक्ता इतिहास, MRRS सेंट्रल कॉलेज पुरवा उन्नाव। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय का आखिरी अध्याय आधुनिकीकरण की ओर के बारे में आपको बताएंगे, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से, मनोयोग से बताए गए विषय वस्तु को समझेंगे। तो चलते हैं आज के अपने विषय इतिहास के आधुनिकीकरण की ओर। बच्चों, सबसे पहले आप ये जरूर समझना चाहेंगे कि आधुनिकीकरण है क्या। जब कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था या कोई देश अपनी पारंपरिक पुरानी रूढ़ियों, जटिलताओं के कारण पिछड़ चुका हो और वो समय के साथ हो रहे बदलाव को स्वीकार करके, आत्मसात करके खुद को बदलता है, ये पूरी प्रक्रिया आधुनिकीकरण कही जाती है। बच्चों, इस अध्याय में हम बात करेंगे आधुनिकीकरण की पूर्वी एशिया के दो देश जापान और चीन के बारे में। अब आपके मन में एक सहज सवाल आ सकता है कि पूर्वी एशिया में बहुत सारे देश हैं, जापान और चीन की बात क्यों? बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पूर्वी एशिया के बहुत सारे देश आज भी पिछड़े हुए हैं, आज भी विकास की प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये वो दो देश हैं जिन्होंने अपने आप को निकाला उन पुरानी जटिलताओं से, रूढ़ियों से, और खुद को स्थापित किया एक औद्योगिक, आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने। इसलिए हमारे विषय वस्तु में चीन और जापान का आधुनिकीकरण शामिल किया गया है। बच्चों, कैसे दोनों देश अपनी परंपरावादी सोच के कारण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे, कैसे इन देशों ने, खासकर चीन का आर्थिक शोषण पश्चिमी एवं यूरोपीय देशों द्वारा किया गया, इन दोनों देशों ने ऐसा क्या किया कि आज एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित कर सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों देशों के लिए आधुनिकीकरण के रास्ते अलग अलग थे। बच्चों, जैसा भी हमने बताया आपको, चीन और जापान, ये हम चर्चा करेंगे आगे के बिंदुओं में, कि चीन और जापान दोनों पूर्वी एशिया के देश थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी समस्याओं को, अपनी चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना किया, फेस किया, और फिर आज की डेट में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित किया। ये है विषय वस्तु आज के अध्ययन का। आइए आगे चलते हैं। बच्चों, हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं चीन के की भौगोलिक स्थिति का और जापान की भौगोलिक स्थिति का। चीन विशाल भूभाग वाला देश है जिसका क्षेत्रफल 9.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा देश है ये, इतना बड़ा विस्तृत भूभाग इसका। इसकी तुलना में जापान एक द्वीपीय देश है, अर्थात कुछ द्वीपों को मिलाकर जापान का निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्रफल 3.77 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें प्रमुख द्वीप हैं होनशु, क्यूसू, सिकोकु, होकाइडो। सामान्य अध्ययन दृष्टि से आपको बता दें, होकाइडो वो द्वीप है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाले स्थानों में नाम लिया जाता है। इसके बाद हम नदियों की बात करते हैं। चीन में तीन प्रमुख नदियाँ हैं, पर्ल, एलो जिसे हम पीली नदी या हुआंगहो नदी भी कहते हैं, इसके अलावा है यांगसी क्यांग। यांगसी क्यांग दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, पहले नंबर पे नील नदी, दूसरे पे अमेजन, तीसरे पे यांगसी क्यांग। ये आपके लिए समान अध्ययन का विषय हुआ। नदी की दृष्टि से जापान में कोई किसी भी बड़ी नदी का अभाव है, छोटी मोटी कई सारी नदियाँ हैं जिसमें से एक प्रमुख नदी है सुमिदा, और ये आपके समान अध्ययन का विषय फिर बनता है कि सुमिदा वो नदी है जिसके किनारे जापान की राजधानी टोक्यो शहर बसा हुआ है। अब चीन के भूभाग के बारे में बात करें, चीन का काफ़ी क्षेत्र पहाड़ी विस्तार से घिरा हुआ है, और जापान में भी आधे से ज़्यादा भूभाग पहाड़ी है। 3.5% भाग भूकंप प्रभावित है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और इस दृष्टि से देखा जाए तो जापान की जनसंख्या सीमित है। धार्मिक स्थितियाँ,
जापान जैसा कि आपको पता है एक विस्तृत भूभाग वाला देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के मानने वाले लोग होंगे। जैसे चीन में सबसे बड़ा जो संप्रदाय है को मानने वाले लोग हैं वो है हान, इसके बाद उइगुर। उइगुर मूलतः ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, फिर हुई, मांचू और तिब्बतन। मतलब विविधता है, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चीन में विविधता है। अब हम जापान की बात करें तो जापान में की जो भी जनसंख्या है वहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग नहीं हैं, मूल रूप से लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अब आगे चलते हैं भाषा की विविधता। बच्चों चीन में मुख्य रूप से चीनी भाषा बोली जाती है, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में कैंटोनीज भाषा भी बोली जाती है। और भाषा की दृष्टि से जापान में कोई विविधता नहीं दिखाई जाती है, वहाँ की मूल भाषा जापानी है जिसे वहाँ के लोग बोलते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यही वो जापानी भाषा है, एक भाषा राष्ट्र की होने के कारण जापान का एकीकरण या उस पर राष्ट्रीय चेतना का विकास बड़ी आसानी से हो सका। भोजन की विविधता। चीन में मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, पेस्ट्री, मांसाहारी भोजन भी किया जाता है, जबकि जापान में मुख्य रूप से चावल और मछली का सेवन किया जाता है। सुशी एक प्रकार का मछली से बना हुआ जापानी डिश है जिसको जापान में बहुत पसंद किया जाता है। ये आपके सामान्य अध्ययन का विषय हो सकता है। जापान की राजनीतिक परिस्थितियाँ। अब बच्चों बात करते हैं जापान के बारे में, जापान की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, किन परिस्थितियों में जापान था, कैसे वहाँ से निकला। 12वीं शताब्दी तक जापान में विभिन्न राजवंशों के सम्राटों ने शासन किया। इसके बाद 1615 ईस्वी में एडो वंश की स्थापना हुई और शासन की बागडोर सोगुन शासकों के हाथ में आ गई। जापान में तोकुगावा परिवार ने 1867 तक शासन किया। तोकुगावा परिवार ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जापान को 250 भागों में बांटा जिसे डोमेन कहा जाता है। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना चाहिए कि डोमेन क्या है। डोमेन प्रशासनिक दृष्टि से जापान को जो जिन क्षेत्रों में बांटा गया था उनको हम डोमेन कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी थी 250। प्रत्येक डोमेन लाडो के अधीन था जिन्हें डायमो कहा जाता था। अब स्वाभाविक सी बात है अगर प्रशासनिक विभाजन किया जा रहा है तो वहाँ कोई प्रशासक भी होगा, कैसे वहाँ की व्यवस्था चलेगी। तो जापान में भी वहाँ जिन प्रशासकों को नियुक्त किया गया, लाडो को नियुक्त किया गया, जिन सामंतों को नियुक्त किया गया उन्हें हम डायमो कहते थे। बच्चों जापान का जो योद्धा वर्ग था उसे समुराई कहते थे। समुराई मुख्य रूप से शोगुन शासकों और डाइमो, जो अभी आपने पहले बताया आपको, ये एक तरह के सामंत थे, इनको सैन्य सहायता उपलब्ध कराते थे। 16वीं शताब्दी में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। किसानों से हथियार रखने का अधिकार वापस ले लिया गया। ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया कि किसान आपस में झगड़ते रहते थे। इतना ही नहीं, कई बार किसानों ने जापान में विद्रोह कर दिया, इससे वहाँ पर अशांति और अराजकता का माहौल पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में शासकों को सोचना पड़ा कि क्या किसानों को हथियार रखने दिया जाए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब किसानों को हथियार नहीं रखना है, उनसे हथियार रखने का अधिकार वापस ले लिया गया और अब हथियार रखने का अधिकार सिर्फ समुराइयों के पास रह गया जो जापान का योद्धा वर्ग था। ५८५३ में अमेरिकी कमोडोर मैथ्यू पेरी जापान पहुंचा। इसके पहले हम आपको कुछ और बता दें कि जापान एक ऐसा देश था जिसको अभिमान था, गर्व था अपनी संस्कृति पे, अपनी सभ्यता पे। वो ये नहीं चाहता था कि बाहरी देश के लोग उसके देश में आएं और उसकी सभ्यता, संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करें। इसलिए उसने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग थलग रखा। शायद यही कारण था उनके पिछड़ेपन का भी। जब विलियम मैथ्यू पेरी वहाँ पहुँचा तो इन लोगों ने, और मैथ्यू पेरी वहाँ पहुँचने के बाद मांग करता वहाँ की सरकार से व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए, लेकिन वहाँ के शासकों ने मना कर दिया। वो डर रहे थे। डर किस बात का? डर इस बात का कि उनको ये पता लग रहा था, चल रहा था दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, कि बहुत सारे साम्राज्यवादी देश अपनी ताकत का विस्तार कमजोर देशों में
खासकर एशियाई देशों में कैसे कर रहे हैं, वहाँ वो लोग अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं, उनका आर्थिक शोषण करते हैं। तो जापान डरा हुआ था, वो नहीं चाहता था कि कोई देश उस पर शासन करे, उसका आर्थिक शोषण करे। इसीलिए वो लोग इस पक्ष में नहीं थे कि कोई विदेशी उनके उन जापान में आए और उससे किसी तरह कोई संबंध स्थापित करे। वो 1868 में जापान में एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के फलस्वरूप तोकुगावा परिवार, जो 1867 तक जापान की सत्ता में था, उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा और मेजी सम्राटों के हाथ पे सत्ता जापान की आई। और ये टर्निंग पॉइंट था, ये वो पॉइंट था, वो बिंदु था जहाँ से जापान ने आधुनिकीकरण के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। कैसे? मेजी सम्राट खुले विचारों के थे, प्रगतिशील सोच के थे। उन्होंने देखा कि जापान अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं के कारण, पारंपरिक सोच के कारण दुनिया के अग्रणी देशों से काफ़ी पिछड़ चुका है। तय किया उन लोगों ने, शासकों ने तय किया कि कैसे हम दोबारा जापान को खड़ा करें, किसके बराबर? उन देशों के बराबर जो आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत थे। इसके लिए उन्होंने जापान के लगभग हर क्षेत्र में कई सुधार किए। क्या क्या सुधार किए, आइए देखते हैं। मेजी सरकार ने महसूस किया कि पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण ही वो कारण है जिसकी वजह से उन देशों का विकास तेजी से हो रहा है। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना जापान का भी औद्योगिकरण किया जाए, क्यों ना जापान में भी उद्योगों को लगाया जाए। इसके लिए आवश्यक सुधार किए गए। इस दिशा में सबसे पहला कदम जापानी सरकार ने, खासकर मेजी सरकार ने, जापान में नए नए उद्योगों की स्थापना के साथ शुरू किया। और महत्वपूर्ण बात यह कि जो भी उद्योग लगाए गए वो पश्चिमी तर्ज पे लगाए गए, जैसे पश्चिम में लगाए गए थे उस तरह से औद्योगिकरण की प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई। नए उद्योगों में मित्सुबिशी एक बड़ी कंपनी है, ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है जापान की, पूरी दुनिया में इसकी शाख है, इसकी स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको जानना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को। यूरोप और अमेरिका से नई मशीनें मंगवाई गई। भाई आपको पता है कि जापान पहले इतना विकसित नहीं था, तकनीकी में विकसित नहीं था, प्रौद्योगिकी उसकी बहुत पीछे थी, तो उद्योगों को चलाने के लिए मशीनें कैसे वो बनाएगा, तो उसको यूरोप से, अमेरिका से नई मशीनें मंगवानी पड़ी जिससे उनके उद्योगों को चलाया जा सके। सरकार ने उद्योगपतियों की पतियों को प्रोत्साहित किया कि वो उद्योग स्थापित करें, उनको सुविधाएं दी। और इसी के साथ साथ किसी भी देश में जब उद्योगों का विकास होता है तो शहरों का भी विकास होता है, और उसका परिणाम था टोक्यो और ओसाका जैसे शहर, विकसित शहर दुनिया के सामने आए। अब बात करते हैं मेजी सुधारों में यातायात और संचार के साधनों का विकास कैसे हुआ। बच्चों, यातायात और संचार के साधनों का विकास उद्योगों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए 1872 में जापान में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। सर्वप्रथम टोक्यो से याकोहामा तक 19 मील की लंबाई तक रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरा किया गया। 1874 में कोबा से ओसाका तक रेलवे लाइन बिछाई गई। फिर 1894 तक जापान में रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरी तरह से पूरा कर लिया गया। 1868 में पहली बार टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई जापान में। जापान में डाकखानों की स्थापना की गई और देखते देखते पूरे जापान में बहुत सारे डाकघर खुल गए। जापान में पानी के जहाज़ों के निर्माण का भी काम शुरू किया गया, और इसी का परिणाम था कि आने वाले कुछ ही वर्षों में जापान एक नौसैनिक शक्ति बनकर उभरा। जापान में ऑटोमोबाइल बनाने के कई कारखाने स्थापित किए गए। आज सुजुकी, मित्सुबिशी और निशान जैसी मोटर कार बनाने वाली कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। 1868 में मेजी शाही घोषणा पत्र में कहा गया हर स्थान से ज्ञान प्राप्त किया जाए। सोचिए बच्चों, ये कितने खुले विचारों की सोच थी सरकार की, शिक्षा कहीं से भी ले प्राप्त करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। और शायद ये कारण था उनके आगे बढ़ने का कि उन्होंने शिक्षा को खुले मन से स्वीकार किया।
बाशो शिराबेसी नाम की संस्था स्थापित की गई, जिसे बाद में एक शैक्षिक संस्थान के रूप में बदल दिया गया। नए नए विद्यालय और विश्वविद्यालय खोले गए। महत्वपूर्ण बात ये सारे विद्यालयों में जो पढ़ाई होती थी वो पश्चिमी देशों के तर्ज पे होती थी। जिस तरह से जो पाठ्यक्रम वहाँ अपनाया गया था, उस तरह के पाठ्यक्रम को इन विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अपनाया गया। 1871 में जापान में पहली बार शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। राष्ट्रप्रेम और नैतिकता की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। बच्चों, ये भी सोचने वाली बात है कि पाठ्यक्रम में राष्ट्रप्रेम और नैतिक शिक्षा को शामिल करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। दो उद्देश्य होते हैं, एक तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, हम राष्ट्र को अपना माने, हम उसके विकास के लिए लगातार योगदान दें, ये राष्ट्रप्रेम है। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे राष्ट्र का हित हो, ये राष्ट्रप्रेम है। नैतिक शिक्षा इसलिए कि हमारा सामाजिक जो ढांचा है, हम कैसे सौहार्दपूर्ण तरीके से दूसरों के साथ रहें, कैसे अपने माता पिता की सेवा करें, इज्जत दें, ये बड़ी बात है कि ऐसे विचारों को यहाँ शामिल किया गया। और मेजी सरकार में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कोई भी जापानी शिक्षा से वंचित ना रह जाए। मुद्रा व्यवस्था में सुधार, अब तक जापान में विनिमय का माध्यम चांदी और सोना था, अर्थात जो भी व्यापार चलते थे वो सोना और चांदी के माध्यम से चलते थे। इस व्यवस्था में बड़ी मात्रा में सोना और चांदी देश से बाहर निकल जाता था, जिससे मेजी सरकार चिंतित हुई। वो चाहती थी कि इसका विकल्प ढूंढा जाए ताकि इस तरह की बहुमूल्य धातु उनके देश से बाहर ना जाएं। तो उन्होंने कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। और बच्चों, आपको बता दें, आज की जापानी मुद्रा एन इसी का परिष्कृत रूप है। आज जापानी एन दुनिया के प्रमुख मजबूत मुद्राओं में से एक है। बैंकिंग सुविधाओं का विकास, जापानी अर्थशास्त्री ईतो ने के सुझाव पर अमेरिकी मुद्रा विनिमय और बैंकिंग प्रणाली के आधार पर मेजी सरकार द्वारा 1872 में जापान में बैंकों की स्थापना की गई। 1873 में जापान का पहला राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया गया। जापान के दो धनी परिवारों को आदेश दिया गया कि वो बैंक चलाने के लिए आवश्यक पूंजी लगाएं। जापान में प्रारंभ में केवल 4 बैंक थे, जो 1879 तक बढ़कर 151 की संख्या में पहुंच गए। सामाजिक क्षेत्र में सुधार, मेजी युग में जापान के सामाजिक जीवन में पश्चिमी देशों के संपर्क में आने से आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। जापान के लोग विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर दिए। ओसाका और टोक्यो की सड़कों पर हैट, दास्ताने, एड़ीदार जूते पहने हुए लोग दिखाई देने लगे। 1872 में मेजी सरकार द्वारा सभी अधिकारियों के लिए पश्चिमी वेशभूषा पहनना अनिवार्य कर दिया। धार्मिक क्षेत्र में सुधार, बच्चों भी हमने आपको बताया था कि जापान के लोग मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन मेजी सरकार की स्थापना के बाद बौद्ध धर्म की जगह शिंतो धर्म को राजधर्म बना दिया गया। ये आपके लिए सामान्य अध्ययन का प्रश्न है कि जापान का राष्ट्रीय धर्म क्या है, वो है शिंतो। बच्चों, किसी भी देश में अगर एक धर्म होता है तो वहाँ पर आपस में मतभेद नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है, लोग प्यार से सौहार्द से रहते हैं। इससे जापान में राष्ट्रीय चेतना का विकास भी हुआ। अन्य सुधारों में कृषि में उन्नत बीजों, सिंचाई के साधन एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग से जापान की कृषि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। सैन्य सुधारों में जापान की मेजी सरकार ने परंपरागत प्रणाली का परित्याग कर दिया और सेना का पुनर्गठन आधुनिक तरीके से किया। सैन्य शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक जापानी नागरिक के लिए अनिवार्य कर दिया गया। समस्त भूमि का व्यापक सर्वे करवाकर लगान का पुनर्निर्धारण किया गया, जिससे आर्थिक स्थिति जापान की और अच्छी हो सके, आमदनी बढ़ सके। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहा। आने वाले कुछ ही वर्षों में जो जापान सीमित था, दुनिया से कटा हुआ था, पिछड़ा हुआ था, आज अपने आप को एक आर्थिक राष्ट्र, आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र, सैन्य रूप से मजबूत और औद्योगिक राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित करके दुनिया के सामने साबित कर दिया कि हम पिछड़े से विकसित हो सकते हैं। इसके बाद जापान की जो सोच थी वो बदल गई, वो आक्रामक हो गई, साम्राज्यवादी सोच उसकी हो गई। उसने 1894 में चीन पर आक्रमण किया, 1895 में ताइवान को पराजित कर अपने भूभाग में मिलाया। 1905 में जापान ने रूस जैसी महाशक्ति को पराजित कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। 1910 में जापान ने कोरिया को पराजित कर अपने क्षेत्र में मिला लिया। और इससे आगे बढ़कर
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने बमबारी की, जिसका उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा। अब हम चीन की बात करते हैं। 19वीं सदी तक चीन का प्रभुत्व पूर्वी एशिया पर था। चीन प्राचीन काल में एक समृद्ध देश था, जहां पर चिंग वंश ने 1644 से 1912 तक शासन किया। इस वंश की समाप्ति के बाद देश में अशांति फैल गई। इसके अलावा चीन में समय समय पर आंतरिक विद्रोह भी होते रहे, जिनमें से कुछ का प्रभाव सीमित था तो कुछ का व्यापक था। प्रमुख विद्रोहों में 1850 से 1864 तक चला ताइपिंग विद्रोह, 1899 का बॉक्सर विद्रोह, 1911 की चीनी क्रांति और 1945 से 1949 तक चले चीन का गृह युद्ध। इसके अतिरिक्त चीन को अंग्रेजों के साथ 1839 से 1842 तक प्रथम अफीम युद्ध एवं 1856 से 1860 तक दूसरा अफीम युद्ध लड़ना पड़ा। चीन को 1894 एवं 1937 में जापान के साथ भी युद्ध लड़ना पड़ा। देश की आंतरिक अस्थिरता एवं बाहरी आक्रमणों ने चीन को विकास की दृष्टि से बहुत पीछे ढकेल दिया। चीन के कुछ राष्ट्रवादी नेता जैसे डॉक्टर सन यात सेन, माओ त्से-तुंग की प्रगतिशील विचारधारा और दूरदृष्टिपरक नीतियों ने चीन को ऐसा सुदृढ़ आधार प्रदान किया जिस पर चलकर चीन को खुद को एक शक्तिशाली गणतंत्र के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। पश्चिमी दुनिया के देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे चल रहे थे और अपने आप को वो एक संप्रभु राष्ट्र बना रहे थे। चीन उनकी बराबरी नहीं कर सकता था, वो बहुत पीछे था। चीन अपने साम्राज्य के प्राचीन गौरव संप्रभुता को पुनर्जीवित करना चाहता था। चीन पश्चिमी देशों द्वारा उसके भूभाग में किए जा रहे बंटवारे, जिसे इतिहास में चीनी खरबूजे का बंटवारा कहते हैं, कि अपमान से मुक्त होना चाहता था। ये वो कारण थे जिसकी वजह से चीन को औद्योगिकरण के बारे में सोचना पड़ा। अब औद्योगिकरण की प्रक्रिया पूरी कैसे हुई? चीन के आधुनिकीकरण की शुरुआत 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी, जब जेसुइट ईसाई मिशनरियों का प्रवेश चीन में हो गया। उनके आने से खगोल विद्या, गणित और पश्चिमी विज्ञान चीन पहुंचा। कांग वेई एवं लियांग किचाऊ जैसे चीनी समाज सुधारकों ने चीन को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था, नई सेना, नई शिक्षा नीति, संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का गठन किया। चीनी समाज सुधारक इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे थे कि कैसे चीन को साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद से बचाया जाए। चीन के प्राचीन कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा, जो अच्छे विचार एवं उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांत पर आधारित थी, को पुनर्जीवित करना चाहता था। चीनी छात्रों को पढ़ने के लिए जापान, फ्रांस, ब्रिटेन भेजा गया और बाद में ऐसे लोगों ने वहाँ से पढ़ाई करके चीन में गणतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर सन यात सेन का चीन के आधुनिकीकरण में योगदान। डॉक्टर सन यात सेन आधुनिक चीन के निर्माता, चीनी राष्ट्रवाद के जनक थे। उन्होंने 1905 में तुंग मिंग हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उन्होंने चीन में एक नए राजनीतिक दल कुओमिंतांग की स्थापना की, जिसने 1911 में मांचू शासकों की राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को समाप्त कर चीन में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की, जिसका नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया। डॉक्टर सन यात सेन ने मुख्य रूप से 3 सिद्धांत दिए, सन, मिन, चुई, जिसका अर्थ है राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद। राष्ट्रवाद अर्थात मांचू साम्राज्य को समाप्त करना और चीन के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। दूसरा लोकतंत्र, चीन में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। समाजवाद, पूंजी का नियमन एवं भूस्वामित्व में बराबरी, अर्थात पूंजी पतियों के हाथ में जो पूंजी केंद्रित थी उसको वहाँ से लेना और समाज में समानता स्थापित करना। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार किए, जिसने चीन के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। 1937 में जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो तत्कालीन कुओमिंतांग की सरकार उसका सामना नहीं कर पाई और युद्ध में पीछे हट गई। सरकार की इस विफलता से चीन में आंतरिक असंतोष व्याप्त हो गया। 1945 से 1949 तक चीन में महंगाई की दर 30% तक बढ़ गई थी। 1943 में माओ त्से-तुंग की विचारधारा से प्रेरित होकर साम्यवादी दल ने कुओमिंतांग पार्टी पर विजय प्राप्त की और चीन में साम्यवादी सरकार बनाई। चीन में नवगठित साम्यवादी सरकार ने अपनी दूरदर्शिता, प्रगतिशील नीतियों के कारण चीन का सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक एवं सैन्य विकास तीव्र गति से किया। साम्यवादी सरकार ने निजी हाथों से कारखाने, भू स्वामित्व का अधिकार वापस लेकर देश में साम्यवाद की विचारधारा को धरातल पर उतारा। 1958 के लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए चीन का औद्योगिक विकास तेजी से होना प्रारंभ हो गया। इस प्रकार
चीन ने अपना आधुनिकीकरण करके स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। बच्चों, अब इस अध्याय के अंत में आपके अभ्यास के लिए प्रश्न है। जापान में मेजी युग में किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। नंबर दो, जापान के आधुनिकीकरण की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सन यात्सेन को आधुनिक चीन का निर्माता क्यों कहते हैं? जापान ने किन किन देशों पर आक्रमण किया और उसका क्या परिणाम निकला? निम्न के बारे में बताइए। शोगुन कौन थे, डाइमो कौन थे, समुराई कौन थे और सन मिन चुई क्या थी? तो ये आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।